बोल देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे मोहम्मद मुज़म्मिल आ चुके हैं फजर की नमाज पढ़ के। आप करें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जी मेरे शहजादे आ चुका हूं फजर की नमाज पढ़ के। भागा मौसम दिखाते हैं, पहले मामा के पास आओ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ हम फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपके साथ हाजिर है और सुबह का मौसम है। चलो बाहर का मौसम दिखाते हैं हम सुबह, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। देखिए हम आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम। लाइट करो, पहले लाइट करो। ये देखिए, देखिए सुबह हो रही है। लाइट करो, लाइट करो। देखें ये देखिए चुड़ियों की आवाज़ आ रही है। इधर आने का जी, देखिए बाहर का देखिए मौसम आ रहा है, चुड़ियों की आवाज आ रही है और ये मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये सुबह तकरीबन ये 5:30, ये 5:30 का टाइम, सुबह 5 हो रहे हैं, 5:30 का टाइम है सुबह का। देखिए माशाल्लाह सुबह हो जाती है, रोशनी हो जाती है, वरना सर्दियों में तो 7 बजे तक भी नहीं होती इसी रोशनी। और ये मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है ना बेटा जी। और इस टाइम हमें वेलकम करने में बहुत अच्छा लगता है। हम नमाज़ फजर पढ़ने के बाद मिले हैं मेरा बेटा और मैं, और बस मैं नमाज फजर पढ़ी, मैंने कहीं वेट कर रही थी आ जाए तो हम थोड़ी व्लॉगिंग करते हैं और एक दफ़ा और दिखा देती हूँ, फिर हम उसके पास जाके सोएंगे। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर जोर की नमाज के टाइम। बाय बाय, एक दफ़ा और मौसम दिखाते हैं ना मेरे व्यूअर्स को, ठीक है? देखें धूप हो रही है और हमारी शहजादी कह रही है कि बारिश होगी, तो मैं बारिश नहीं होती, धूप में बारिश नहीं होती। हवा इतनी तेज हवा है, इतनी तेज हवा मैं आपको बता नहीं सकती। आ जाओ बेटा जी, जी जी बोले। हाँ वहाँ पर आओ, अब यहाँ बात करेंगे, वहाँ पर आओ। शहजादी बोल रही है ना, मिट्टी आ रही है। चले ठीक है, और वो खाना क्या बनाना है आज, आ जाओ मेरे साथ। जी देखिए हम गोभी काटने लगे हैं और वहाँ से रोशनी आ रही है, आऊँगी नहीं मैं। चल ये देखिए गोभी काट लें पहले हम, फिर अपनी वीडियो बनाएंगे। और ये मेरी बेटी काट रही थी लेकिन उसे कटी नहीं गोभी, तो मैंने कहा मुझे दो, मैं काट दिया। और मैं टमाटर काट जी, टमाटर दिखाऊंगी अभी आपके, कि मेरी बच्ची ने टमाटर भी काटा है, मेरे हेल्प की है मेरी बेटी ने, है ना? गोभी नहीं कट रही, इनकी फेवरेट है गोभी, है ना? उस दिन आप बोल रही थी ना मामा गोभी, आलू निकाल के तो नीचे से बोले, मैं तो दालू 4 आलू दे दूँ, 4 आलू 4। ये देखिए ये हमारी नाभी से कट नहीं रही थी गोभी, तो मुझसे कहने लगी मामा गोभी नहीं कट रही। जल्दी से, और ये टमाटर काटे थे मेरी शहजादी ने, ये देखिए ये रहे आपके 4 टमाटो। मैं नीचे को वॉश करने का, ये हमारे आ गए हैं 4 पटाटो जी, अब इसको मम्मा कट करेंगी। देखिए भाई हमारी सब्जी जो है कट गई है, हमने गोभी काट ली है, पानी में हमने डिप की भी उसमें, और मेरी बेटी ने टमाटर काटे थे, गोभी इनसे कटी नहीं, तो मैंने गोभी मैं काट लूँगी। मैंने गोभी काटी थी, मैं बनाने जा रही हूँ अभी सालन, लाइट हुई नहीं, असर का टाइम होने वाला है, मुझे पढ़नी है नमाज। और अभी देखिए धूप धूप रोशनी हुई और बहुत मिट्टी वाली चल रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुझे जाना था मार्केट अभी, तो आज तो मेरा फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, चले देखते हैं कुछ मिल जाए इंशाल्लाह आज मुझे।
काफ़ी टाइम बाद आज जाना हुआ शहरयार की शॉप पर। शहरयार के पास लेडीज़ कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शहरयार ने जेंट्स कपड़े भी रख ली हैं तो मुझे पता चला था, तो मैं अपने बेटे को लेकर गई थी। सूट थे, नो डाउट के सूट नहीं थे लेकिन सूट थे, लेकिन अब इनको जो ड्रेसिंग करनी है उसके लिहाज से शहरयार ने भी बोला कि नहीं आप ये नहीं कराएं, आप दूसरी ड्रेसिंग कराएं वहाँ से ले लें। यहाँ से शहरयार को अगर चाहिए तो शहरयार बस्ती मुझे कपड़े दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि जिस तरह बच्चा मांग रहा है तो आप उस तरह वहाँ लेके जाएं। तो इन्होंने मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह गाइड किया कि आप इस तरह ड्रेसिंग करें, लेकिन शेर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्रेसिंग पहनते हैं उन्होंने मेरे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मैं लेना यूँ लेस अपनी बेटी के लिए, किसी ने कहा था कि यहाँ मुनासिब रेट में मिलती है, पहले यहाँ से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए भाई ये 10 नंबर की शॉप कपड़े की, मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम देखी ये शॉप, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कपड़े की शॉप है, ये मैं सब्जी मार्केट है हमारी, तो वहाँ ये बीच में कपड़े की शॉप थी, यहाँ से मुझे वाइट ट्राउज़र लेना था बस, तो मैंने हाँ वो ख़रीदा वाइट ट्राउज़र अपने बच्ची के लिए लेना था, लेकिन ये कि बस सही कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, यहाँ पर भी अच्छा है। चले भाई, इन भाई जी के पास भी बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई है इन्होंने, और काफ़ी कोशिश की कि मुझे पसंद आ जाए। देखें मैंने इनकी वीडियो बनाई कि चले घर जाके वॉच करूँगी, देखूँगी। आई थिंक देखिए भाई, ये मुझे कपड़ा दिखाया दुकानदार ने, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया ये कपड़ा क्या है। अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छा लग रहा था पर लिया नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग नमाज़े फजर से की, नमाज़े फजर के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़े पढ़ी, वक्त की, और अभी नमाज ईशा पढ़ के फ्री भी बहुत थक गई हूँ आज मैं, के बस आज तो बस मैं थक गई कि मैं, मुझे आदत नहीं है मार्केट्स में फिरने की और ना लेने का कुछ आइडिया है मुझे, लेकिन लेकिन आज मेरी बेटी का एक सूट आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सूट ले लिया बड़ी मुश्किल से, सूट आया है जी, अभी 1 सूट आया, इंशाल्लाह आगे भी आ जाएंगे, डोंट वरी। 10 सूट, वाह 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 वाह। चले और कुछ सूट मामा निकालेंगी घर से, और कुछ सूट मैं बनाऊंगी माशाल्लाह। 6 इवन है, 6 दिन की शादी है, और इंशाल्लाह 7 तारीख से फारिग करें हम लोगों को, शादी के पर से फारिग हों हम लोग, आमीन आमीन। आज मैं मार्केट जरूर गई लेकिन मैंने अपनी अनाबी का ही सूट खरीद सकी, मुझे अपने लिए कुछ पसंद नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह अनाबी का ही सूट आ गया। पसंद आया जी, पसंद आया है, और वो सूट इनकी सियेंगी ताई अम्मी, हाँ वो सूट सियेंगी ताई अम्मी इनकी, माशाल्लाह अच्छे सीती हैं कपड़े, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया इस तरह कर लो, तो मैं भी एक सूट लेकर आई हूँ, और अभी आकर बैठी हूँ वहाँ से भी कि बैल लानी है क्या लानी है, इसका भी मुझे कुछ नहीं, उनसे ही मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया, इंशाल्लाह कल जाऊँगी, फिर जाऊँगी कल, बहुत थक गई हूँ आज मैं बस। आज आप सिंगल गए थे नमाज पढ़ने, कोई नहीं था आपके साथ जाने के लिए आज न फजर की नमाज में? आज अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, अबू नहीं गए, वरना इनके बड़े अबू साथ जाते हैं तो इनकी भी थोड़ी हिम्मत। ठीक है, आज ये सिंगल गए थे मोहम्मद मुजम्मी, अभी उजैर की स्कूल स्टार्ट है तो स्कूल उजैर नमाज फजर नहीं जा रहे, और मेरे मोहम्मद मुबशी बहुत बुरी तरह गिर चुके हैं, ये गुर जी क्यों यहाँ चल रहा है, शोर कर रहे हैं जी। मैं नाबिक थैंक यू करें बेटा, थैंक यू करो फैन मोहम्मद हुसैन, और आज एक और पता चला पेट्रोल और महंगा होने वाला है, पता नहीं महंगाई जाकर कहाँ रुकेगी, समझ में मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा, और इस महंगाई को देख देख के तो हमारा तो है मीटर डाउन, लेकिन अल्लाह हेल्प करे शॉपिंग में भी हमारे सारे काम हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, 7 तारीख तक सारे काम हो जाए इंशाल्लाह आमीन। मैं इतना बोलना चाहूँगी आप लोगों से, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें प्लीज़, मुझे आपकी मोटिवेट की ज़रूरत है और आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दें प्लीज़, आपके सिस्टर की दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करें, और आप थैंक लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, बच्चे के कहने पे कर दें, बाबा जी हैदराबाद अल्लाह हाफिज़।